पुलिस थाने का नाम सुनते ही पुलिस का खौफ लोगों को और भी डरा देता है, चाहे वो कोई अपराधी हो या फिर कोई निर्दोष व्यक्ति। ये डर कम जानकारी के होने से होता है। आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको FIR से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा जिसे आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इस जानकारी को जानने के बाद आपके मन का भय जरूर दूर होगा। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली विधिक जानकारी आप तक मिलती रहे। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। FIR यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि FIR उनकी थाने में नहीं लिखी गई, या फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ FIR के लिए किया गया आवेदन निरस्त हो गया। इस समस्या के कई कारण होते हैं, लेकिन एक कारण ये भी होता है कि आपके FIR को लिखाने का तरीका गलत हो। FIR को कम से कम व स्पष्ट शब्दों में लिखाना चाहिए, क्योंकि न्यायालय में आपके केस की सुनवाई इसी FIR के आधार पर ही होती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको FIR के 9 के फॉर्मूले को लेकर FIR को किस तरह सरल शब्दों में लिखाया जाए वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। नंबर 1, कब। तारीख और समय। FIR को लिखाते वक्त घटना की तारीख और घटना का क्या समय था, ये ज़रूर लिखाना है। नंबर 2, कहाँ। जो घटना हुई है वो कहाँ पे हुई थी। नंबर 3, किसने। अपराध किस व्यक्ति ने किया, क्या वो व्यक्ति ज्ञात है या अज्ञात है, एक है या अनेक व्यक्तियों द्वारा किया गया, इसके बारे में ज़रूर उल्लेख करें। नंबर 4, किसको, यानी अपराध जो हुआ है वो किसके साथ हुआ है, एक व्यक्ति के साथ हुआ है या अनेक व्यक्तियों के साथ अपराध हुआ है, तो इसके बारे में भी उल्लेख करें। नंबर 5, किस लिए। अपराध होने का मुख्य कारण क्या था, किस लिए ये अपराध हुआ, इसके बारे में भी बताएं। नंबर छः, किसके सामने। अपराध के वक्त क्या कोई गवाह मौजूद थे, अगर कोई गवाह मौजूद थे तो उनके बारे में भी उल्लेख ज़रूर कराएं। नंबर 7, किससे, यानी जो अपराध हुआ है वो किस चीज़ से हुआ है, कौन सा हथियार था, अगर कोई हथियार था जैसे पिस्टल, डंडा, चाकू इत्यादि। अगर कोई ऐसा अपराध था जिसमें सिर्फ धोखाधड़ी का मामला था तो उसमें आपको चेक या मोबाइल या फिर स्टैम्प पेपर इत्यादि की जानकारी अवश्य दें। नंबर 8, किस प्रकार, यानी अपराध जब हुआ है तो वो किस प्रकार से अपराध हुआ है, उसका उल्लेख अवश्य कराएं। नंबर 9, क्या किया। अपराध, इसमें अपराध की जानकारी आपको बतानी है कि आपके साथ कौन सा अपराध हुआ है, जिसकी वजह से आपको कौन सा नुकसान प्राप्त हुआ, आपको कौन सी क्षति हुई है। तो ये एक सरल और आसान शब्दों में FIR को लिखाने का तरीका था जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि भविष्य में आने वाली विधिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।